सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल मिस्टर डीके में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप देखोगे सिको इंडस्ट्री के अंदर आज हमें अप्रॉक्सीमेट 33% की गिरावट देखने को मिल रही है। जी हाँ, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 145 रुपये था, लेकिन अब आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 95 रुपये में स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्यों स्टॉक के अंदर जो ना ये आपको 33% की गिरावट देखने को मिली है? तो यहाँ पर आप देखोगे भाई इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ आप देखोगे कंपनी, आप देखो भी इन फ्यूचर में कैसी रहेगी, क्या स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न निकाल कर दे सकता है या फिर नहीं, आपके बहुत सारे सवाल होंगे शेयर को लेकर। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं इसके पीछे गिरावट का रीजन क्या है। गिरावट का रीजन है बोनस। जी हाँ, कंपनी आप देखो 1:2 में बोनस देने वाली है। अगर आपके पास इसके 2 शेयर हैं तो आपको 2 शेयरों के ऊपर 1 शेयर अतिरिक्त मिलेगा बोनस के रूप में, यानी आपके जो 2 शेयर है वो 3 शेयरों में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी वजह से आप देखोगे ये 33% की आपको गिरावट देखने को मिली है। इसे हम गिरावट नहीं कह सकते, ये एक प्राइस एडजस्टमेंट है, क्योंकि पीछे आप देखोगे 1 शेयर का प्राइस था 145 रुपये, लेकिन अब आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 95। तो ये सारी गिरावट ग्रूट कुछ नहीं है, ये एक प्राइस एडजस्टमेंट है। उसके साथ साथ आप देखोगे कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, और वहीं आप देखोगे अभी तक आपके अकाउंट में जो ये शेयर है ना वो क्रेडिट नहीं होंगे। ये आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए जो टाइम लगता है वो 2 से 3 वीक का लगेगा। तब तक के लिए आपके पोर्टफोलियो में इनके जगह पर लॉस दिखाई देगा। इन सबको लेकर भी आपको नहीं होना कि आपको जो ना 33% का लॉस हो गया है। अब यहां से बात करें टारगेट्स को लेकर, तो उससे पहले आप देखो फंडामेंटल स्टॉक कैसा है। अगर बात करें यहाँ से इसके मार्केट कैप की, तो आप देखोगे 161 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी रेशो आप देखोगे 75 का है, जो कि एवरेज माना जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखोगे 13% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे 9.5% के आसपास, दोनों के दोनों एवरेज माने जाते हैं। ईपीएस की बात करें तो यहाँ पर देखोगे 1.27 रुपये ईपीएस है, जो इसके प्राइस के हिसाब से सही माना जाता है। बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऊपर में ट्रेड कर रहा है, 14 रुपये के आसपास बुक वैल्यू है। और वहीं आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, तो यहाँ पर आप देखोगे जो प्रमोटर्स के पास है 71.4%, और जो पब्लिक के पास बची हुई होल्डिंग सारी हमें देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ आप देखोगे डेट कंपनी के ऊपर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का। तो कंपनी के ऊपर कुछ भी डेट नहीं है। एनुअल प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे 1.88 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, नहीं फ्री कैश फ्लो यहाँ पर आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेट 5.75 करोड़ का है। तो अच्छा फ्री कैश फ्लो है। इन फ्यूचर में आप देखोगे कंपनी अपने आप को जो ना ग्रो करने वाली है, आपको भी पता ही है। आप देखोगे तीन चार महीने पहले इसका आपको जो ना आईपीओ आते नजर आया था, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे अब स्टॉक के अंदर जबरदस्त तेजी बनी हुई है, और इस शेयर ने थोड़े से टाइम में ही आप देखोगे आपका जो पैसा है ना वो डबल से ट्रिपल किया है भाई, ठीक है। तो यहाँ से आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर और भी तेजी बनेगी। आप जो है स्टॉक के साथ सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टाइम के लिए चलो, बहुत अच्छे स्टॉक आपको जो रिटर्न निकाल कर दे सकते हैं। और यहाँ से आप देखोगे भाई फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, अच्छा कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पर आप देखो कितनी जबरदस्त तेजी स्टॉक के अंदर बनी है। तो यहाँ से स्टॉक के अंदर अच्छी वॉल्यूम लगना स्टार्ट हुई थी, और अब आप देखोगे स्टॉक आपको 95 पर आते हुए नजर आए हैं। तो 95 से पब्लिक भी बाय करेगी, और यहाँ पर आप देखोगे ऑपरेटर भी नीचे से उठाएंगे, तो स्टॉक के अंदर फिर से तेजी बनना लाजमी है। और फिर ऊपर में जो ये शेयर आपको टारगेट दिखा सकता है फिर से 145 के, जी हाँ 145 के फिर से लेवल दिखाएगा। उससे पहले आप देखोगे 120 का लेवल हमारा रहेगा। अगर 120 गोल ब्रेक करेगा तो फिर आपको ऊपर में जो है ये 145-150 के लेवल आराम से दिखा पाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।